भाई आज थोड़ी डिफरेंट वीडियो है और मैंने कोई प्लान नहीं किया हुआ था कि मैं ये बनाऊंगा। खैर वेंसडे को मैंने वीडियो डाले रिएक्शंस के बारे में, सब कुछ फिट जा रहा है, रेटिंग व्यूज रिस्पांस सब। रात सारी मैं जागता रहा, एक काम था, सुबह फजर पढ़ के सो गया और सुबह 3 बजे उठा, पता लगा वीडियो ही गायब है। और ये यूट्यूब वाले क्या बताते हैं, सेक्सुअल कॉन्टेंट एंड न्यूडिटी। उस वीडियो का सबसे सेक्सुअल सीन पता क्या था, जो 1.5 सेकंड के लिए जो बंदा आया था ना, जिसकी चेस्ट डिली हुई थी वो। और एज रिस्ट्रिक्शन का मसला नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शन पहले भी आई हुई है चैनल पे, जो मैंने बाद में हटाई हुई है। मसला है फॉल्स रिपोर्ट का, एक तो होना वाकई उसके अंदर सेक्सुअल कंटेंट था तो भाई वीडियो हटाई है, उसमें लिटरली कुछ भी नहीं था। इवन अगर कोई मैंने बैड वर्ड भी यूज किया था ना, वो भी सेंसर था, पीप करके आवाज आई थी। अब अगर यूट्यूब के हिसाब से वो सेक्सुअल कंटेंट था, वीडियो हटा दी, कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं। फिर ये देखो, ये तो भाई सेक्सुअल कंटेंट नहीं है, ये तो एजुकेशनल पर्पस के लिए है भाई, ये तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और मैं ये जो ब्लर और ये ब्लैक चीजें भी सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अब ये वीडियो ना कहीं एजुस्ट्रिक्ट हो जाए। और यार जिन पर वो रिएक्शन वाली वीडियो थी ना, उनको कुछ मत कहो, उसमें इनका कोई रोल नहीं है, बल्कि इस बंदे को तो उल्टा अप्रिशिएट करो। मैंने वीडियो बनाने से पहले इससे परमिशन ली कि भाई मैं रिएक्शन पे वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने तेरी कुछ क्लिप्स यूज की हैं, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बता दे। कहता हां कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल सीन है, क्योंकि इसको पता है कि भाई ये यूट्यूब है। भाई अगर तुम यूट्यूब पे आए हो ना और ऊपर से ये एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं, तो फिर जाके cartoonnetwork.com पे चैनल खोलो या यूट्यूब पे करने आयो। अजीब यकियां भाई। खैर इस बंदे की मैं नीचे लिंक दे रहा हूं इंस्टाग्राम की, चेकआउट मारना जरूर। खैर मेन मुद्दे पे आओ जरा। अब यूट्यूब ने मेरी वीडियो हटाई सेक्सुअल कंटेंट की वजह से, अब जरा ट्रेंडिंग वीडियोस पे आओ और उन वीडियोस पे आओ जिनके 4-4 मिलियन व्यूज है। ये सेक्सुअल कंटेंट नहीं है ना, ये तो भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए है भाई, ये तो न्यूटन का लॉ पर आया जा रहा है भाई, यहां पे ये अर्थक्वेक की नॉलेज दी जा रही है। अब मजे की बात पता क्या, ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट तक नहीं है, और उससे भी मजे की बात ये है कि एड्स भर भर के इस पे। अब इधर यूट्यूब पे सर्च करना देसी, सिर्फ देसी, तो यूट्यूब तुम्हें देसी अंडे या देसी घी सजेस्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें ये चीजें सजेस्ट करेगा। ये भी काफी एजुकेशनल है भाई, ये बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। और ये मैं पिक्चर इसलिए ब्लर कर रहा हूं क्योंकि अब मैं स्ट्राइक के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि भाई एक पहले ही आई हुई है, एक और आ गई तो खत्म। और अभी तो रुको, मैंने अपनी एक वीडियो में मेंशन किया था कि ये चीज नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है। अब यहां तक कि मैं उसका टाइटल तक नहीं दिखा रहा, खुद ही वीडियो जाके देखने लगा, टाइटल के अंदर ही हवस थी, टैग्स भी, थंबनेल भी, डिस्क्रिप्शन भी। जब सामने सामने सेक्सुअल कंटेंट है तो वीडियो के अंदर तो जाहिर है सेक्सुअल कंटेंट होगा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि उस वीडियो को हटाया नहीं, इतना कि उसको ट्रेंडिंग पे चला दिया, वो भी नंबर 1। और फिर मजे की बात यह है कि उस पे एड्स भी थे। ये कहां की लॉजिक है भाई, मतलब वो वीडियो जिसके टाइटल के अंदर यही चीजें हैं उसको ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला दिया, और वो वीडियो जिसपे लिटरली गेम प्ले चल रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो भी सेक्सुअल कंटेंट के नाम पे। लेकिन जब ये चीजें कोई पॉइंट आउट कर देगा और रेफरेंस के लिए अपनी वीडियो में ये चीजें यूज कर लेगा, उसकी वीडियो हटा दो भाई। और ये यूट्यूब वाले तुम्हें कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि भाई क्यों वीडियो हटाई है, क्यों डिमोनिटाइज की है, कौन सी ऐसी चीज है वीडियो में जो डिमोनिटाइज की है या वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट की है ना, सिर्फ तुम्हारी नोटिफिकेशन पे ठोक के ला के रख देंगे कि भाई वीडियो हटा दिया, आगे अपने तुक्के लगाओ कि भाई क्यों हटी है। चलो जो 7 से 8 मिनट की वीडियो है उसमें पार्ट बता दो कि भाई नीचे टाइम बता दो कि भाई इस टाइम के दौरान ये चीज थी जिसकी वजह से हमने रिस्ट्रिक्ट की है, वो भी नहीं। मतलब इस वेबसाइट में क्रिएटर सपोर्ट तो रह ही नहीं गई। अब जरा उस प्रेशियस पर्ल वाली वीडियो के कॉपीराइट के इशू पे आते हैं। अब जिस बंदे ने वो कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था ना, उसे मैं काउंटर भी कर देता ना, उसे मैं अगर अपील भी कर देता ना, तो एंड में फैसला मेरे फेवर पे ही आता, क्योंकि वो पूरी वीडियो फेयर यूज में आती है, जबकि उनका खुद का गाना 2 मिनट का है और उस गाने में से सिर्फ 40 सेकंड का पार्ट मैंने अपनी वीडियो में यूज किया, 40 से 50 का, जिसमें से 10 सेकंड मैंने स्टार्ट पे डाले, 10-10 सेकंड की क्लिप्स बीच में डाली और एंड में थोड़ा बहुत पार्ट दिखा दिया और बस। और जितना कम से कम मैं इन जा सकता था ना, उतना कम से कम मैंने उस वीडियो के अंदर किया जान के, क्योंकि मैंने परमिशन प्रमोशन कोई नहीं थी ली, लेकिन फिर भी उस बंदे ने माइंड किया होगा, उसने स्ट्राइक लगा दी, जबकि वो आती फेयर यूज में ही है, लिटरली एक बैड वर्ड तक नहीं था उसके अंदर, तुम अपनी फैमिली के साथ तक देख सकते हैं वो वीडियो, मतलब शायद। और गाना उनका अच्छा वाला था, मैंने बस प्रेशियस पर्ल वाले पार्ट को लेकर थोड़ा सा ट्रोल किया था, और तो कुछ था ही नहीं भाई उसमें माइंड करने वाली। खैर स्ट्राइक तो हटा दिया उसने, लेकिन मैं उसे पूछूंगा री अपलोड करने से पहले, अगर तो वो इजाजत देता तो ठीक है, वरना वैसे ही 15-20 री अपलोड पड़ी है यूट्यूब पे। यार अगर तू देख रहे ना, कोई नहीं कहता यार तुझे, नहीं कोई कुछ कहता, करने दे यार अपलोड। अब आते हैं ऑफेंड होने पे। सबसे पहले जो कोई बंदा ऑफेंड हुआ था ना, वो इस वीडियो पे हुआ था। इसके अंदर मैंने लिटरली 1 सेकंड के लिए अल्ताफ हुसैन की तस्वीर यूज की थी, जिसके अंदर मैंने उसको कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला, सिर्फ 1 सेकंड के लिए तस्वीर यूज की। उस पे बंदा इतना पागल हुआ, सबसे पहले तो उसने कमेंट किया, फिर फेसबुक पे मैसेज किया, फिर ईमेल भी कर दी, कहते वीडियो डिलीट कर, मैंने तेरा
ये कर देना, तेरा वो कर देना। ले भाई, एक तो अल्ताफ हुसैन तुम्हारा अब्बा तो लगता नहीं जब तुम इतना पागल हो रहे हो भाई, और दूसरा मैंने बोला क्या, लिटरली सिर्फ ऊंट बोला था जबकि लग सुअर है। उसके बाद लोग पागल हुए थे पिंडी बॉयज वाली वीडियो पे। चलो एक तो होना कि मैंने उस वीडियो पे बिस्ती मारी हो, लिटरली 4 मिनट की वीडियो है और उसके अंदर मैंने सिर्फ पिंडी बॉयज डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब और बिस्ती मारने में फर्क है, एक बार फिर देखना वो वीडियो। मैंने सिर्फ उनके फैक्ट्स बताए कि भाई वो विलिया मारते हैं, टैंकी टापे उतार देते हैं, या मतलब सेंटोरस घुस जाते हैं, या जॉयलैंड चले जाते हैं। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहा, जबकि अच्छी खासी बिस्ती बनती थी। लेकिन वीडियो बनाने के दौरान मुझे ये पता है कि लोगों ने ये चीज करनी है, और जब मैंने ये सारी बिस्ती शिस्ती सारी हटा दी उसके बाद भी लोग ऑफेंड हुए। और फिर हम ये जो रिसेंटली जो मैंने रिएक्शन वीडियो की थी उस पे जिस लड़के से रिएक्शन लिया था वो मेरे घर काम नहीं करता, उसकी अम्मी आती है और वो बस बैठा रहता है डाइनिंग टेबल पे, या तो बाहर साइकिल चला लेता है या तो हमारे साथ क्रिकेट खेल लेता है, काम उसकी अम्मी करती है। अब उस वीडियो के लिए मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, तो जो मेरे मुंह से फ्लो में निकल गया मैंने वही रहने दिया, चेंज नहीं किया। उस बात को भी लेके लोग ऑफेंड हो गए, मतलब अब वीडियो डालने से पहले मुझे वो वाला पार्ट भी एडिट करना पड़ेगा। भाई उन लोगों के लिए वेबसाइट्स हैं pogotv.com, cartoonnetwork.com, disney.com, shamidreez.com, doraemon, dora the explorer, chota bheem, shinchan, किसी ने नहीं रोका जाके देखो। खैर उस वीडियो पे आओ, अब मैंने अपील तो की है, अब अगर वो वीडियो वापस आ गई तो ठीक है, स्ट्राइक चली गई तो ठीक है, और अगर नहीं वापस आती तो मैं दूसरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, या फेसबुक पे कर दूंगा, या अपने अपने व्हाट्सएप के नंबर दे दूं, वहां पे कर देता हूं सेंड। अब कुछ बड़े यूट्यूबर से नाम नहीं लूंगा मैं उनके, लेकिन अक्सर उनके कमेंट्स में देख रहा होता हूं, अक्सर ये होते हैं यार तू पहले जैसा नहीं रहा, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, गेम प्ले यूज किया कर। अब उनके साथ भी यही सीन है, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना बेशक कॉमेडी के लिए ही करें, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे स्टेप लेने की कोशिश करेंगे उनकी वीडियो डाउन, एज रिस्ट्रिक्शन लग गई, चैनल के लग गए। इस चीज का मुझे पता ही अब लगा कि YouTube अब वो वाली YouTube नहीं है जो 2015-16 में हुआ करती थी। अब YouTube का मसला पता है क्या है? अगर कोई वीडियो फ्लैग करता है ना, YouTube वाले वो बैठ के नहीं देखेगा कि भाई ये फॉल्स फ्लैग है वाकई फ्लैग है, वो बस सीधे वीडियो हटा देंगे, और फिर जब अपलोडर अपील करेगा तब YouTube वाला बंदा बैठ के देखेगा कि हाँ भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये लो भाई आपकी वीडियो वापस ले लो, हमसे तो वही गलती होगी। अजीब बगैर थी भाई। चलो अगर फ्लैग हुई है, YouTube वाला बंदा बैठ के देखे कि भाई इसके अंदर ये चीज है या नहीं है, और फिर अगर नहीं है तो उसका चैनल बैन करे जिसने फ्लैग की है। लेकिन यहाँ पे तो भाई काम ही उल्टा हो रहा है। अब इस बारे में मैं कुछ कर तो नहीं सकता सिवाय इसके कि अब मैं थोड़ा सेफ खेलूं। अब यही है कि जब तक ये स्ट्राइक वाला पंगा सही नहीं ना हो रहा, एक दो हफ्ते तक मैक्सिमम भी होना तो 3 रोस्ट वीडियोस मैं थोड़ी देर के लिए बस अवॉइड कर रहा हूं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। हाँ उस दौरान इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपलोड ही नहीं करूंगा, अपलोड करूंगा, और इस बात की भी गारंटी देता हूं कि वो एंटरटेनिंग होगा, एक दो यकियां लगा के कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगा। हाँ लेकिन एक वीडियो पे काम हो रहा है उसको मैं पूरा कर देता हूं परमिशन प्रमोशन लेके, नहीं तो भाई फेसबुक क्योंकि एड तो वैसे ही नहीं है, इसमें भी अगर मैं 3-4 मिड रोल डालूंगा ना तो फायदा ही नहीं कोई। और ये वैसे एक और पंगा है जिसको मैं अकेला नहीं झेल रहा, यहाँ तक के बड़े यूट्यूबर्स का भी यही सीन है। अब ये बीबी को देख लो, अभी इसकी वीडियो खोलो तुम्हें येलो चीज शो तो हो जाएगी लेकिन एड शो नहीं होगी, लेकिन ट्रेंडिंग पे पड़े मुजरे चला दोगे तो भाई दस्ती एड। लेकिन बीबी को इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके तो व्यूज इतने। बात आती है उन लोगों की जो यूट्यूब पे इस वक्त स्टार्ट ले रहे हैं, यही कोई 100 सब्सक्राइबर वाला हो गया या 1000 सब्सक्राइबर वाला हो गया, यही चलता रहा ना तो कोई भी चैनल इस तरह ऊपर नहीं जा सकता। अब ये देखो, चलो ये तो माना कि ये रोस्ट वीडियो थी, ड्रामा वीडियो था एक तरह का, लेकिन Q&A की क्या गलती है, या इस वीडियो की क्या गलती है, या इसकी या फिर इसकी नहीं। यूट्यूब अगर मेरे से स्पेशल कोई पंगा है तो भाई बैठ के बात करते हैं, इस तरह यकियां तो ना लगाओ भाई। मैं तुम लोगों को इतना प्यार दिखाता हूँ तुम मुझसे की गांड मारने लगे हुए हो भाई। और बाकी ये कि जितने भी लोगों ने सपोर्ट दिए ना, तसल्लियां दी हैं कमेंट्स पे, मैसेज पे, जितने भी लोगों ने फीडबैक भेजे, जितने भी लोगों ने हैशटैग चलाए, लिटरली सिर्फ मेरी वो ऊपर की सारी टेंशन उड़ गई थी, तो उसके लिए लव यू स्वीट हार्ट। अब इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी तो यही समझ लो कि बहुत ही हैवी एंडिंग हो गई है। मैं जा रहा हूँ।